बेटा मेरा पैसे अंकल आपके तो पूरा बैग ही खुल गया बेटा ये इसमें रख दो बेटा सारे पैसे बेटा मेरे को घर पे बहुत जरूरत है बेटा मेरी बेटी का इलाज कराना है हाँ अंकल ये लो हाँ अंकल सारे नोट देख लेना बेटा इधर कहीं हवा से उड़ना जाए कुछ ये लो अंकल सारे पैसे आ गए अंकल बेटा और कुछ तो नहीं है अरे नहीं अंकल सब कुछ आ गया अच्छा चलता बेटा थैंक यू बेटा थैंक यू बेटा थैंक यू ए हमको तो उधर जाना था ना चल देखा अपनी दीदी का कमाल इतने सारे पैसे ले आई ए अंकल कोई कमाल नहीं है मैंने आपको कहा था थोड़े पैसे उठा लो अच्छा लेकिन उठाए तो मैंने थे ना तब सारे मेरे हुए ए मुझे आधे दो आधे मैं मेरे भाग तू आधे अच्छा चल ठीक है ये जो ऊपर है ना ये तू रख ले एक नोट क्या हाँ, ये ले क्या हाँ मुझे पूरे आधे चाहिए कुछ भी ये भी मुझे ही दे दे मैं मम्मा को बोलूंगी Three days later. मार। दीदी मेरे सारे पैसे खत्म हो गए आप थोड़े दे दोगी Dude, मेरे भी खत्म हो गए दीदी आपके पास तो इतने सारे थे आपके कैसे खत्म हो गए तुझे क्या प्रॉब्लम है वैसे भी उन पैसों से मैंने ये मोबाइल ले लिया है ये किसका मैसेज है ओ ये देख किसी ने हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया पैसे उठाते हुए एक और मैसेज क्या देख लिया अपना वीडियो चंदू की दुकान के पास 10,000 रुपए लेकर आना अरे लेकिन दीदी हमने तो सिर्फ 5,000 कलेक्ट किए थे और वो 10,000 रुपए मांग रहा है ओ, क्या करें पापा के पास में चेक करें क्या ठीक है लेकिन वो तो चोरी मानी जाएगी ना क्या करें हमने लालच किया और नंदे अंकल के बैग में से पैसे चुरा लिए शायद इसलिए भगवान हमें पनिश कर रहे हैं यार जल्दी चेक करते हैं आई होप हाँ पैसे तो हैं चल देखते हैं काउंट करते हैं 1,000, 2,000 और 10,000 चल 10,000 तो हो गए बाकी के पर्स में रख देती हूँ चल यहाँ चल जल्दी 5,000 जो देना है ना मुझे तो अंकल को बहुत डर लग रहा है पता नहीं क्या होगा ए रिदम वेरोनिका कहाँ जा रहे हो अरे कहीं नहीं पापा हम तो बस चंदू की दुकान पे जा रहे हैं अरे आओ बैठो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ अरे नहीं पापा यहीं पे पास में ही तो दुकान हम खुद ही चल के चले जाएंगे पापा आप ऊपर जाओ मम्मा आपका बहुत देर से वेट कर रही है अब चाय पी लो खाना वगैरह खा लो हम लोग अभी 2 सेकंड में आए बाय सेकंड में आए चल वीडियो डिलीट कर देना क्या हो रहा है ये A few minutes later. कोई मुझे बताएगा हो क्या रहा है तुम क्यों उसको इतने सारे पैसे दे रही थी पापा एक्चुअली हुआ यू कि बेटा आप दोनों ने बहुत सारी गलतियां की और इसका अंजाम और बुरा भी हो सकता था पहली गलती आपने उस अंधे आदमी के पैसे चुराए दूसरी गलती आप दोनों चोरी के पैसों के लिए लड़ाई कर रहे हो तीसरी गलती आपने घर में चोरी की अपने घर में चोरी की चौथी और सबसे बड़ी गलती आपने मम्मी पापा को कुछ बताया ही नहीं मतलब इतना सब कुछ हो गया और मम्मी पापा से सब छुपा के रखा आपने क्या गारंटी है कि उस आदमी को अगर आप 10,000 रुपए दे देते तो वो और पैसे नहीं मांगता आपको पता है ना पहले मम्मा के साथ आईफोन वाला स्कैम हो चुका है प्रॉमिस करो आप दोनों कि अगली बार से ध्यान रखोगे और मम्मी पापा को सब कुछ बताओगे ठीक है सॉरी पापा चोरी करना झूठ बोलना मम्मी पापा से सीक्रेट रखना ये सब बहुत बुरी आदतें हैं इनसे दूर रहना I'm sure आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो जल्दी से वीडियो को करो लाइक और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बाय बाय